तो दोस्तों आइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, देखिए क्या होता है। यहाँ पर ध्यान देना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्वेश्चन होता है, ध्यान देना। यहाँ पर बहुत सिंपल होता है। सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक। ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक। मान लीजिए स्पेस में कोई पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड, हमें यहां तक पहुंचना है। आप कैसे पहुंचेंगे, आप क्या करेंगे, पहले जो है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको कवर करेंगे, ठीक। फिर देखेंगे वाई के एलांग ये कितना दूरी पे है, फिर वाई एक्सिस पे चलेंगे, मतलब वाई के पैरेलल जो है ऐसे जाएंगे, ठीक। फिर देखेंगे जो है इसका जेड कितना है, आप सीधे जो है जेड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन्स पहले आप एक्स चले, फिर वाई चले, फिर जेड चले, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ठीक। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मीन्स आपको जो है, आपको जो है स्पेस में किसी पॉइंट तक जाना है, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, आप ओरिजिन से क्या करेंगे, पहले एक्स कंप्लीट करेंगे, फिर वाई, फिर जेड, ठीक। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। आइए बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है। मान लीजिए यहां पर देखना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक। अब स्पेस में कोई पॉइंट पी है, हमें वहां तक जाना है, हमें इस पॉइंट पी तक जाना है, ठीक। अब आप बताइए इस पे अगर सिलेंड्रिकल वाले चल रहे हैं क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है ना, डायरेक्ट जो है देखना है इस पॉइंट को, ये एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन कहां पर बन रहा है, आप डायरेक्ट पहले वहां पर चले जाइए। मीन्स इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में कहां पर प्रोजेक्शन बन रहा है, पहले आप वहां चले जाइए, ठीक। उसके बाद आप क्या करिए, अपना हाइट जो है, जो भी जेड एक्सिस का है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन आप इस पॉइंट का प्रोजेक्शन जहां एक्स वाई प्लेन में देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है इधर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आप इस पॉइंट का जब यहां पर प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एंगल फिक्स करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाई, जो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से जो डायरेक्ट गए हैं यहां तक जो है, ये डिस्टेंस क्या है हमारा, रो, ठीक। और ये हाइट क्या है, जेड है। ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री पे है ना, ये हमारा एक्स वाई जेड है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मींस अगर हमें इस पॉइंट पी तक जाना है, और हम क्या किए, किस पॉइंट का देखे कि हमारे एक्स वाई प्लेन में इसका जो है प्रोजेक्शन कहां पर मिल रहा था, तुरंत जो है वहां प्रोजेक्शन देखे, और डायरेक्ट जो है ओरिजिन से उसी की दिशा में, ये फाई एंगल फिक्स करते हुए उसी की दिशा में उस पॉइंट पे पहुंचे, वहां से सीधे अपना जेड कंप्लीट करके यहां पे आ गए। इसमें क्या हो रहा था कि पहले आप जो है एक्स, जो इसकी एक्स वाली वैल्यू थी उसको कंप्लीट किए, फिर उसका वाई देख के वाई कंप्लीट किए, फिर उसके बाद जो है सीधे जो है इसका जेड जो है कंप्लीट किए, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच गए। लेकिन इसमें क्या है, आप पॉइंट को देखे, पॉइंट का प्रोजेक्शन इस प्लेन में कहां पर आ रहा था उसको देख लिए, उसके बाद डायरेक्ट उतनी डिस्टेंस कवर किए। अब ये जो है लाइन इधर भी ड्रा कर सकते, इधर भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आप जब इधर इधर करेंगे तो ये पॉइंट नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब इसका एक वैल्यू और फिक्स होगा, जो क्या है, फाई है, ये फाई, ठीक है। तो आप फाई जो है, फाई एंगल पे रो डिस्टेंस कवर करते हुए जो है डायरेक्ट पी तक पहुंच सकते हैं। एक और हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ऐसे तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड की बात करें, जिसका नाम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए उसको भी समझ लेते हैं, फिर इनका क्या प्रोसेस है इंटीग्रेशन में, कैसे हम जो है अपने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन सबको सीखेंगे। यहां पर देखना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। ये क्या है, ये एक स्फेरिकल मतलब स्फीयर वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैनेज करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, सपोज करिए ये हमारा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये रहा जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक। अब स्पेस में कोई पॉइंट पी एग्जिस्ट कर रहा है, हमें वहां तक पहुंचना है, लेकिन अब हम इस समय कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, स्फेरिकल। जाना तो इस पॉइंट के पास ही है, ठीक है, बस तरीके अलग अलग हैं। यहां पर हमने कुछ इस तरीके से गया, अब यहां पर कोई और तरीका हो। आप क्या करोगे, इसमें क्या होता है, आप सीधे पॉइंट को देखें,
सीधे पॉइंट को देखे और डायरेक्ट उस पर पहुंच गए। ये कितने डिस्टेंस तक था आप देखे इसे डायरेक्ट इस पर पहुंच गए, जो भी डिस्टेंस होगा आर डिस्टेंस था, आपने आर डिस्टेंस कवर किया और इस अपने पॉइंट तक पहुंच गए। लेकिन यार ये आर डिस्टेंस तो इधर भी हो सकता है, ये आर डिस्टेंस जरूरी नहीं वहां पर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हाँ मीन्स ये आर डिस्टेंस का एरो इधर भी, इधर भी, इधर भी आर 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 हो सकता है, तो हमारा पॉइंट तो नहीं मिल रहा यार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई और ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, कोई एक और ऐसा वेरिएबल है जिसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, कोई एक और ऐसी वैल्यू है जिसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या है बताते हैं, वेट करना। वो क्या है? वो है हमारा जेड एक्सिस से, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप यूं बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाना, फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि आप पहले पॉइंट को देखें, यहां से डायरेक्ट वहां तक गए, जो डिस्टेंस हमें मिल रहा था उस फिक्स डिस्टेंस को आप कवर किए, उसके बाद आप क्या किए, अपना जो है एंगल जेड एक्सिस से थीटा एंगल फिक्स कर लिए। क्योंकि नहीं फिक्स करेंगे तो ये आर इधर इधर कहीं भी आ सकता, पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यार फिर भी अब एक प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि ये थीटा एंगल बना के आर डिस्टेंस वाला एरो तो इधर भी आ सकता है ना, थीटा एंगल बनाते हुए। हाँ इधर भी, इधर भी, इधर भी, सोचो एक स्फीयर होगा उधर आप जेड एक्सिस के लांग, वो थीटा एंगल ऐसे ऐसे बनाते बनाते बहुत सारा बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं, है कि नहीं? बहुत सारा बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कोई और क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ेगी, कोई और एक क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ेगी। वो क्या है? वो है इस पॉइंट से प्रोजेक्शन पहले बना लीजिए, देखिए इस एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन कहाँ आ रहा है, और डायरेक्ट जो है वहां उसको मिला दीजिए, और वो क्या होगा, वो आपका होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने पे ये प्रोजेक्शन वाला लाइन एंगल बना रहा है, मींस ये फाई एंगल। ठीक है, ये फाई एंगल को हमको फिक्स रखना पड़ेगा, और ये है क्या, इस पॉइंट, इस वाले लाइन का, इस पूरे पॉइंट का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ठीक, यानी कि अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, पहले हम अपने पॉइंट को, अपने बल्ब को डायरेक्ट देखे किसी कॉर्नर से और डायरेक्ट वहां पे पहुंच गए। आप यार वहां पर पहुंचने का मतलब आप तो सिर्फ एक डिस्टेंस कवर किए हो, तो वो डिस्टेंस आप इधर भी कहीं भी कवर कर सकते हो, नीचे भी इधर कवर कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या किए, एक वर्टिकल एक्सिस से, मींस इस जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल जो है बनाते हुए अपना थीटा एंगल फिक्स कर लिए। लेकिन यार अब वो थीटा एंगल बना के आप इधर भी ड्रा कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या किए, इस पूरे लेंथ का जो है आप प्रोजेक्शन ले लिए, वो प्रोजेक्शन जिस प्लेन पे आप प्रोजेक्शन लिए हैं उसको वहां से देखें कि ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्स वाई प्लेन पे आप प्रोजेक्शन लिए, देखिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को फिक्स कर लिए। इससे क्या हो गया, हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार आप डायरेक्ट इस पॉइंट तक पहुंच गए। ठीक, तो यहां पर क्या था, यहां पर था कि हमने अपने पॉइंट पी एक्स कामा वाई कामा जेड को डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर दिए पी आर कामा थीटा कामा फाई में। ठीक, और यहां पर क्या किए थे, यहां पर हमने पी एक्स कामा वाई कामा जेड को डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर दिए थे पॉइंट क्या, यक्स की जगह पर आप क्या फिक्स किए थे, ध्यान देना, यहां पर आप यक्स की जगह क्या फिक्स किए थे, ये लेंथ रो कामा फाई कामा जेड। ठीक, तो ये हमारा हो गया सिलेंडर का। तो इस तरीके से हमारे तीन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि इतने ही रहे, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतने ही हमारे काम के हैं। ठीक है, आइए अब एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करते हैं, उनका कैसे हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे उसको सीखते हैं, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।